नमस्कार। यदि आपने अभी तक तेज हरियाणा को YouTube पर सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें ताकि हर अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके और आप जुड़े रहें हरियाणा की हर अपडेट के साथ। नमस्कार, तेज हरियाणा पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस वक्त की सबसे बड़ी अपडेट हम आपको दे रहे हैं, जहाँ पर पूरे हिंदुस्तान को 1 जून से 30 जून तक नए लॉकडाउन 5 का नया नाम अनलॉक 1 दिया गया है। तो अब पूरा हिंदुस्तान 1 जून से नई आज़ादी के साथ, कुछ नए जज्बों के साथ खुलने जा रहा है। इस वक्त की सबसे बड़ी अपडेट हम आपको दे रहे हैं, कोरोना वायरस से निपटने के लिए देश में एक बार फिर से लॉकडाउन 5 को लागू कर दिया गया है। लॉकडाउन 5.0 की गाइडलाइन, जिसे नया नाम अनलॉक 1 दिया गया है, यानी इसे जारी किया गया है केंद्र की तरफ से, और कंटेनमेंट जोन के बाहर सरकार की ओर से चरणबद्ध तरीके से छूट है वो दी गई है। बता दें कि कोरोना वायरस से निपटने के लिए देश फिलहाल लॉकडाउन के दौर से गुजर रहा है। लॉकडाउन 4.0 की अवधि 31 मई को ख़त्म हो रही है। ऐसे में सरकार ने इसे बढ़ा दिया है। लॉकडाउन 5.0 1 जून से, यानी कि 1 जून से 30 जून तक जारी रहेगा। फिलहाल स्कूल कॉलेज खोलने का फैसला केंद्र ने राज्य सरकारों पर छोड़ दिया है। जुलाई में राज्य सरकार इस पर फैसला लेंगे। होटल, धार्मिक स्थल, रेस्टोरेंट 8 जून से खोल दिए जाएंगे, हालांकि सरकार ने शर्तों के साथ खोलने की अनुमति दे दी है। आपको बताते हैं 8 जून से पहला फेज इसका होगा, उसमें क्या खुलेगा। सबसे बड़ी बात इसमें होटल, रेस्टोरेंट, धार्मिक स्थल, सैलून, ये सब चीज़ें हैं वो 8 जून से खुल जाएगी। जिम, पार्क, विदेश यात्रा, सिनेमा हॉल, मेट्रो सेवा अभी बंद रहेंगे। जिन पर विचार है वो 3 फेज में किया जाएगा। राज्य ने दूसरे चरण में जोन के लिए, अब आपको अगर किसी दूसरे राज्य में जाना है तो आप पास की अनुमति नहीं होगी। यानी पहले आपको हरियाणा से पंजाब में जाना पड़ता था, या फिर पंजाब से किसी भी राज्य में आपको वहां के DM या फिर DC से एक पास लेना पड़ता था, मूवमेंट पास। अब उसको ख़त्म करते हुए केंद्र ने जो आने जाने की अनुमति है वो दे दी है। यानी कि 8 जून से सब कुछ पटरी पर लौट आएगी जिंदगी, और जुलाई में स्कूल कॉलेज खुलने का जो सिलसिला है वो शुरू होगा। जो दूसरा फेज है वो जुलाई में ही शुरू होगा, लेकिन 30 जून तक नाइट कर्फ्यू है उसको जारी रखा गया है, जिसमें रात्रि 9 बजे से सुबह 5 बजे तक का जो कर्फ्यू है वो जारी रहेगा। फिलहाल लॉकडाउन के 68 दिनों के बाद अनलॉक 1 इंडिया का फॉर्मूला लागू होगा, जहां पर राज्य सरकारों के हाथ में भी पूरे अधिकार हैं वो दिए गए हैं। और फिलहाल फेज़ 2 में स्कूल कॉलेज राज्य सरकारें अभिभावकों के साथ फैसला करने के बाद ही खोल पाएगी। बहरहाल सरकार ने जो एक इस लॉकडाउन को अनलॉक एक का नाम देते हुए इसमें चरणबद्ध तरीके से देश को खोलने का फैसला किया है। अब आपको बताते हैं किन लोगों को बाहर जाने की अनुमति नहीं होगी। 65 साल की उम्र के बुजुर्ग, 10 वर्ष से कम आयु के बच्चे, गर्भवती महिलाओं को बाहर जाने की गुरेज रखना होगा, यानी उन्हें बाहर आने की अनुमति नहीं होगी। साथ ही तीसरे चरण में जो काफ़ी सारी छूट है वो दी जाएगी, और सरकार ने कहा है कि जो कंटेनमेंट जोन के बाहर है वहाँ पर आर्थिक गतिविधियों को बढ़ाने के लिए तमाम तरह की जो छूट्स हैं वो दी गई है। 2 गज की दूरी रहनी जरूरी होगी, और किसी भी यात्रा में आपको मास्क का इस्तेमाल करना होगा। सरकार ने अंतिम संस्कार के फैसले में 20 लोगों को अनुमति दी है, थूकने पर भी जुर्माना होगा, और विवाह शादी में 50 लोग ही इकट्ठे हो पाएंगे। इस वक्त की सबसे बड़ी अपडेट हम आपको तेज हरियाणा के माध्यम से दे रहे हैं, जहां पर केंद्र की तरफ से गाइडलाइन जारी हुई है, और अब अनलॉक 1 यानी कि वो 1 जून से 30 जून तक रहेगा, और 8 जून से होटल, रेस्टोरों और धार्मिक स्थल, सैलून सभी खुलेंगे। और बड़ी राहत है कि आपको एक राज्य से दूसरे राज्य में जाने के लिए मूवमेंट पास था उसकी आवश्यकता नहीं होगी। आपको हाँ जरूर है कुछ नियमों की पालना करनी होगी, लेकिन बहुत सारे फैसले हैं वो राज्य सरकारों पर भी छोड़ दिए गए हैं। अब राज्य सरकारें हैं वो भी बड़े स्तर पर फैसला करेगी, उनके हाथ में बहुत सारे जो कानून हैं वो दिए गए हैं। तो कुल मिलाकर बड़ी राहत हिंदुस्तान को मिलने वाली है इस लॉकडाउन 5.0 में।
तो कोरोना वायरस से निपटने के लिए देश में एक बार फिर से लॉकडाउन लागू कर दिया गया है। लॉकडाउन 5.0 को केंद्र सरकार ने अनलॉक एक का नाम दिया है और अनलॉक एक के लिए गृह मंत्रालय द्वारा गाइडलाइन है वो जारी की गई है। कंटेनमेंट जोन के बाहर चरम तरीके से छूट दी जाएगी। फिलहाल इसमें पूरी पाबंदी रहेगी, जो कंटेनमेंट जोन होगा और उसके बाहर है वो जरूर है, जो छूट है वो दी जाएगी। 1 जून से 30 जून तक लॉकडाउन 5 रहेगा और गृह मंत्रालय ने ये गाइडलाइन जारी की है, यानी कि अनलॉक 1 का मतलब अब तालाबंदी बेहद सीमित जगह पर होगी। स्कूल कॉलेज खोलने का फैसला राज्य सरकारें लेंगी। 8 जून से धार्मिक स्थल खुल जाएंगे। 8 जून से होटल रेस्तरों भी जो है वो खोले जाएंगे। पहला आपको बता देते हैं, लॉकडाउन के 4 फेज़ के यानी कि 68 दिनों के बाद अनलॉक 1 इंडिया शुरू होगा। आपको याद होगा, पहला 25 मार्च से 14 अप्रैल, दूसरा 15 अप्रैल से 3 मई, तीसरा 4 मई से 17 मई और अब जो चौथा था वो 18 मई से 31 मई तक होगा और 1 जून से नए लॉकडाउन की जो शुरुआत है वो शुरू होगी। तो कुल मिलाकर एक बड़ी अपडेट हम आपको दे रहे हैं जो कि लॉकडाउन को लेकर है कि अब किस तरीके से जो इंडिया को राहत मिलेगी। 1 जून से अब पूरा देश अनलॉक हो जाएगा, 1 जून से पूरा हिंदुस्तान खुलने लगेगा। देश में मुसाफिरों को अब आने जाने में दिक्कत नहीं होगी, कहीं भी आ जा सकेंगे, लेकिन कंटेनमेंट जोन में जाना मना होगा। रात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक का कर्फ्यू रहेगा। कंटेनमेंट जोन में सख्ती जरूर रहेगी, राजनीतिक रैलियों पर रोक रहेगी, कहीं भी आने जाने पर रोक नहीं होगी, सामान मुसाफिर दोनों और आ सकेंगे। लेकिन दिल्ली में मेट्रो नहीं चलेगी, सिनेमा हॉल बंद रहेंगे, स्विमिंग पूल भी अभी नहीं खुलेंगे। तो बड़ी आपको इस वक्त की हम अपडेट आपको दे रहे हैं। फेज़ 2 में स्कूल कॉलेज खोलने पर फैसला होगा। जुलाई में स्कूल कॉलेज हैं और जो कोचिंग सेंटर हैं वो 2 में खुल सकेंगे, लेकिन 8 जून से मॉल खुले रहेंगे, होटल खुलेंगे, रेस्टोरेंट खुलेंगे। तो बड़ी राहत हमने आपको दी है इस लॉकडाउन की जानकारी के मुताबिक, सरकार ने केंद्र सरकार की गाइडलाइन के मुताबिक। तो ये हमने आपको बताया कि किस तरीके से लॉकडाउन 5 यानी अनलॉक इंडिया का कैसा रंग और रूप होगा। अगर आपने YouTube पर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें ताकि हर अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके।